तो स्वागत करते हैं आपका। एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि बिट मैनिपुलेशन का है, ऑल रिपीटिंग एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले। तो इसमें क्या है कि इसके जो पहले क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन थे, कुछ नंबर 2 बार गिवन थे, उनमें से एक नंबर एक बार गिवन था तो उसे हमें फाइंड करना था। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन होंगे, कुछ नंबर्स होंगे जो 2 टाइम्स होंगे, लेकिन कुछ 2 ऐसे नंबर होंगे जो एक बार आए होंगे। उसमें क्या था, एक ही नंबर एक बार में आया था, मतलब कि सिंगल नंबर था जो एक बार आया था, लेकिन इसमें 2 नंबर होंगे ऐसे जो 2 एक बार आए होंगे और सारे 2 बार होंगे, तो वो हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं। ये थोड़ा सा परिवर्तित क्वेश्चन है। ये परिवर्तन है उस क्वेश्चन के प्रतिकूल में, मतलब उस क्वेश्चन की तुलना में ये जो क्वेश्चन है इसमें यही परिवर्तन है, यही डिफरेंस है। तो चलते हैं और प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है जी, 36 की बाइनरी 50 54 56 36 24 52 42 और 50 की। ठीक है, आई थिंक 24 की बाइनरी हमारी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो 56 हो गया, 111 हो गया, 100 हो गया और 36 का हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइनरी। ठीक है, तो इन बाइनरीज में हमें क्या करना है कि इनका हमें लेना है, इन बाइनरीज का जो महत्व है हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो समझते हैं कि इन बाइनरी से हमें क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें बहुत एक एरे गिवन है। ठीक है, एरे गिवन होगा, उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे एलिमेंट होंगे ना वो डिफरेंट नंबर में होंगे। जैसे कि मान लो 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 3 है। अब पिछले में क्या था कि सिंगल 5 था, लेकिन इसमें क्या है कि एक और डिफरेंट नंबर होगा, 2 ऐसे नंबर होंगे जो सिंगल होंगे, तो हमें वो फाइंड करना है। इसमें परिवर्तन उसमें क्या करते थे, हम सारे एग्जॉल ले लेते तो जो लास्ट में बचता था वो आंसर हो जाता था, लेकिन इसमें कैसे करोगे, इसमें तो लास्ट में दोनों बच जाएंगे, ये 5 और 6 दोनों बच जाएगा जब एग्जॉल लोगे, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि वो कौन से नंबर है, क्योंकि इसमें लास्ट में तो ये 5 6 बचेगा, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि इनका एग्जॉल फिर से हो जाएगा और कोई डिफरेंट नंबर आ जाएगा, क्योंकि इन लास्ट में ये 5 6 बचेंगे और 5 6 का एग्जॉल निकलेगा जो कि डिफरेंट नंबर आ जाएगा, तो हमारे पास एक सिंगल नंबर बचेगा, जो एक सिंगल नंबर जो कुछ भी हो सकता है, तो वो डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाएंगे 5 6 का। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये एग्जॉल होगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अप्रोच क्या हो सकती है। जैसे इसमें क्या है कि इस समय मान लो हमारे एक एरे है, एरे जिसमें 36 50 24 56 36 24 42 50 गिवेन है। अब इसमें 36 36 आपस में कट जाएगा, 24 24 आपस में कट जाएगा, एग्जॉल हो जाएगा उनका, और 50 50 कट जाएगा, बाद में बचेगा 56 और 42, फिर होगा 56 और 42 का एग्जॉल। तो इनका एग्जॉल क्या होगा, 56 का क्या होता है आपका, 56 का क्या होता है 111 000, और 24 का क्या होता है, सॉरी 42 का क्या होता है 101 010। तो यहाँ पे 0 0 तो 0 हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 110 का 0 0, सॉरी यहाँ 1 होगा यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एग्जॉर आ जाएगा जो कि हमारा होता है 18। तो अब इस एक ये लास्ट में हमारे पास ये बचेगा, अब इसके लास्ट के बचने से हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा, मतलब लास्ट में तो पक्का है कि 0 नहीं बचेगा, 0 नहीं बचेगा, जो ये हमें संकेत देता है कि लास्ट में कोई डिजिट तो बचेगी, लेकिन उससे हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो 56 और 42 बचेगी या 56 बचेगी या 42 बचेगी, ये दोनों नंबर हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सबका ये तो हमने लास्ट में एग्जॉल लिया ना, अब हम एक बार सबका एक साथ एग्जॉल लेके देख लेते हैं, जो कि यही है जो कि हम काटते चले गए, लाइक 36 से 36 काट दिया, 24 से 24 काट दिया, 50 से 50 काट दिया, वही सेम चीज हम यहाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में बचेगा ये 56 और 42 सारे एग्जॉल लेते हुए। तो अब हम क्या करते हैं कि जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका हम एग्जॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जॉल लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एग्जॉल लेने की प्रक्रिया क्या है कि हम जो सेम एग्जॉल आ रहे हैं ना उनको हम एग्जॉल लेते हुए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे एग्जॉल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए एक मॉड्यूलर तरीके से समझते हैं, संरचनात्मक तरीके से समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 36 का ये गिवन है बाइनरी नंबर, 50 का गिवन है, तो अब हम इनका एक साथ एग्जॉल लेके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो एग्जॉल लेते हैं, तो सबसे पहले तो इसका 0 आएगा, इसका एग्जॉल आएगा हमारा 1, इसका एग्जॉल आएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर 1 1 1, ओके, यहाँ पे एग्जॉल आएगा 0 क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर 1 है और 0 है, और यहाँ पे आएगा हमारा एग्जॉल 0, सॉरी यहाँ पे आएगा एग्जॉल हमारा 110 110, एक सिंगल एग्जॉल और आ गया और यहाँ पे आएगा 0, तो हमारा यही एग्जॉल आ गया, सेम टू सेम आंसर यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो सेम टू सेम हमने लिया ना, क्योंकि सारे 0 कट गए, सारे आपस में जो कट गए 36 36 आपस में कट गया, 24 24 आपस में कट गया, 50 50 आपस में कट गया, बचा 56 और 42 जो कि सेम था, तो मतलब यहाँ पे भी सेम आया यहाँ पे सेम आया। अब इससे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपना 56 और 42, कैसे हम बता सकते हैं कि इस रिजल्ट से हम अपना 56 और 42 निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब सिंगल कैरेक्टर था तो लास्ट में एक ही आंसर बचता था। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, अगर होता 36 50 24 56 36 24 50, अगर ऐसे होता तो 36 36 कट जाता, 50 50 कट जाता, 24 24 कट जाता, तो लास्ट में 50 बचता,
तो ये हमें 50 बचता जो कि जीरो के साथ एक्सोर लेता, क्योंकि ये सारे जीरो बनाएंगे तो हमें 50 मिल जाता। तो ये हमें पता चल जाता कि लास्ट में हमारा जो नंबर है वो 50 है और यही हमारा यूनिक नंबर है जो एक बार गिवन है। लेकिन यहाँ पे वो संख्या 2 है, 1 और 42 आ गया। अब इससे इन दोनों का एक्सोर हो गया तो कोई डिफरेंट नंबर आ गया जो ये डिफरेंट नंबर है। इससे इसके रीजन से हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि वो दो नंबर कौन से थे। हाउ वी हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि वो दो नंबर कौन से थे। तो उसके लिए हमारा क्या अप्रोच होगा ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग सा सोचना पड़ेगा कि हम क्या सोच सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सोचने का प्रयास करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, बट मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है, अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है कि 36 के सामने आपका सारे बाइनरी नंबर्स हैं, 50 के सारे बाइनरी नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एग्जॉर ले लिया सारा, उसके माध्यम से हमने सारे रिजल्ट निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पे आ गए और लास्ट में बचा 56 और 42, और उसका भी हमने एग्जॉर निकाला जो कि हमारा ये आया। अब हमें इसी 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 इंफॉर्मेशन से हम वो 56 और 42 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे हमें सोचना है, वो कैसे सोचते हैं, ये प्रक्रिया क्या हो सकती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रक्रिया हमारी बहुत ही सरल होगी, बहुत ही सुसंगठित होगी। वो प्रक्रिया क्या होगी हम बताना चाहेंगे आपको। तो वो प्रक्रिया यही होगी कि यहाँ पे क्या है, वो प्रोसेस क्या होगा, वो यही सिंपल सा प्रोसेस होगा कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि जब हमने 56 और 42 जो लास्ट में बचा उसकी जो राइट मोस्ट डिजिट है वो है 1। ठीक है, ये बताती है कि उस टाइम पे उस पोजीशन पे कोई दो वैल्यू ऐसी रही होंगी जो डिफरेंट रही होंगी। कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा आपके, कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि यार लास्ट में जो वैल्यू है 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सोर 1 रिप्रेजेंट क्या करता है, कि दो डिफरेंट नंबर का एक्सोर होता है तभी 1 आता है, या फिर सेम नंबर का एक्सोर होता है तो 0 आता है। तो 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई दो नंबर थी जो डिफरेंट थी। ठीक है, कोई दो नंबर थी जो डिफरेंट थी, उन्हीं का जो एक्सोर है वो 1 आया, क्योंकि लास्ट में 56 और 42 बचा तो उनका एक्सोर 1 आया। ठीक है, उस राइट मोस्ट डिजिट से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, अब ये सोचते हैं हम क्या करेंगे। सिंपल सा तरीका यूज करेंगे कि अगर अगर रा, ला, अगर हमारा जो 1 है दो नंबर डिफरेंट थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे 1 वाले पोजीशन पे जितने भी नंबर्स हैं उनको देखते हैं, उनमें 1 कौन कौन से थे। 1 50 वाला था, 42 वाला था, 50 वाला था। तो इन वन में ना कोई एक होगा जिसके पास 56 होगा, कोई एक होगा जिसके पास ये 42 होगा, इनमें से कोई एक होगा जिसके पास ये 42 होगा। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा 42 था जिसके पास ये 1 था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसी के कारण तो ये डिफरेंस हुआ था क्रिएट। कुछ दिमाग में तो आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे इन 50 42 50 में से कोई एक था जिसके पास 1 था, क्योंकि इसी पोजिशन पे हम देख रहे हैं कौन कौन 1 था, क्योंकि इस पोजिशन पे 1 आया है। तो इसका मतलब ये है कि दो ऐसे नंबर होंगे जिनके पास 0 और 1 होगा, और वो दोनों अलग से बच रहे होंगे, अलग से वो दो नंबर बच रहे होंगे 0 1 वाले, इन पेयर इन 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 पोजीशंस पे। इस क्रम में दो ऐसे नंबर होंगे जिनके पास 0 और 1 लास्ट में बच रहे होंगे। अब वो दोनों 0 1 कौन से हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीका यूज करेंगे, हम उस पोजीशन पे जो 1 वाले हैं ना उनको अलग कर लेंगे, हम जो 1 वाले हैं ना उनको अलग कर लेंगे। एग्जॉर होने के बाद वो दो, वो 1 1 और 1 0 इस पोजीशन पे जरूर बच रहे होंगे। मतलब ये है कि इस पोजीशन पे कोई दो तो बच रहे होंगे, एक 1 वाला बच रहा होगा, एक 0 वाला। अब वही दो लास्ट में बच रहे हैं जिनका एक जोर आ रहा है हमारा 18 जो आ रहा है ये लास्ट में, और उनसे हमें ये पता करना है, हमारा लक्ष्य है। और इस पोजीशन पे जो 1 वाला पोजीशन है, इस पे हमारे वो दो नंबर जरूर बच रहे होंगे जिनके कारण ये आ रहा है एग्जोर में। तो वो नंबर हम कैसे पता करेंगे? सिंपल सा तरीका है, एक वाला अलग कर लेंगे, 0 वाला अलग कर लेंगे, एक वाला अलग कर लेंगे, इस पोजीशन पे जो एक वाला था उसको अलग कर लेंगे और 0 वाला अलग कर लेंगे, ये 0 वाला है। अब इनको अलग करने का क्या फायदा हो? अब इनको अलग कर लेंगे, इनको अलग करने के बाद इनका एग्जॉर ले लेंगे, इनको अलग करने के बाद इनका इंडिविजुअल एग्जॉर ले लेंगे, इसका एग्जॉर अलग ले लेंगे, इसका एग्जॉर अलग लेंगे, इसका एग्जॉर अलग लेंगे। इनका एग्जॉर लेने से क्या होगा कि वो नंबर हमें पता चल जाएगा जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, जो एक्स्ट्रा था। हमें तो पता है ना, हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जो एक्स्ट्रा नंबर था, जो डिफरेंट था, वो हमें पता चल जाता था। तो सेम काम तो यहाँ भी हो रहा है, वो डिफरेंट नंबर ही हमारा हमारा क्रिएट कर रहा है जो लास्ट में बच रहा है, जो लास्ट में बच रहा है 0 वाला। ठीक है, इसमें कौन सा लास्ट में बचेगा? इनका अगर एग्जॉर ले लेंगे जहां जहां 0 है, तो वो लास्ट में जो बचेगा, जिस जो एक्स्ट्रा नंबर होगा 0 वाला, वो हमारा बच जाएगा। और इसमें वो 1 बच जाएगा जो हमारा लास्ट में 1 बच रहा है, जो हमारा लास्ट में बच रहा है, जिसके कारण हमारी डिजिट 18 आ रही है जो लास्ट में बच रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस पोजिशन पे देखा सारे 1 वाले और इस पोजिशन पे देखा सारे 0 वाले, जो कि हमारे एग्जॉर को, जो हमारे आउटपुट को डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तुमने जीरो वाला देखा कि जीरो वाले में वो कौन सा है जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है जो डिफरेंट है हमारे इन सभी से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है तभी तो डिफरेंट है, कॉमन सी बात, एक्स्ट्रा तो डिफरेंट है। तो उनमें हम पाते हैं कि 36 जो जो हमारा जैसे कि यहाँ पे क्या है कि वन वाले 42, 50 और 50 है, तो इनमें दो ऐसे होंगे जिनके जिनको जोड़ने पे जीरो आ रहा होगा, जैसे कि जो वन है 50 और 50 दो है, 50 और 50 जो है ना वो दोनों क्या है, दोनों सेम वन है, ठीक है, तो इसलिए इनका जीरो आएगा। लेकिन एक और वन, एक वन ऐसा होगा जो लास्ट में बच जाएगा, वो वन कौन सा होगा, ये 42 वाला होगा, ये 42 वाला वन होगा जो लास्ट में बच जाएगा, और वही हमारा लास्ट में बच रहा है, ठीक है, वही हमारा लास्ट में बच रहा है, जो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमारा एक एक नया वन क्रिएट कर रहा है। उसी पोजीशन पे दो जीरो और वन कौन से हैं, एक ये 42 वाला वन है और ये एक हमारा 56 वाला जीरो है, ठीक है, चमका दिमाग में कि लास्ट में वो एक पेयर जीरो वाला बच रहा है, एक पेयर वन वाला बच रहा है, और वन वाले पेयर कैसे निकालेंगे कि उस पोजीशन पे जितने बनते हैं उनका एग्जॉल ले लेंगे, तो वन वाला लास्ट में जो बचता है वो मिल जाएगा, और जीरो वाले जो बनते हैं, जीरो वाला जो लास्ट में पेयर बनता है, जैसे ये जीरो वाला, ये जीरो वाला, ये जीरो वाला, ये जीरो वाला, इनका ले लेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा, ये 42 मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 24 और, क्योंकि ये देखिए ये 36 और 36 कट जाएंगे जीरो वाले, और ये 24 और 24 कट, 24 तो पहले से कट चुका है, ठीक है, 24 और 24 कट जाएंगे, और ये जो हमारा 56 है लास्ट में बच जाएगा, तो ये जीरो वाला हमारा लास्ट में बच जाएगा जो कि हमारा 56 होगा, और वन वाला जो 42 होगा वो हमारा बच जाएगा, तो लास्ट में वो जीरो और वन बच जाएंगे जो कि हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा क्या लक्ष्य था कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो जीरो था और वन था वो अलग अलग था, तो हम इस पोजीशन, इसकी राइट मोस्ट डिजिट निकाल के हम ये पता कर लेते हैं कि वो पोजीशन पे जो वैल्यूज है उनमें वो कौन सा जीरो और वन है जिसके कारण यहाँ पे वन आ रहा है, क्योंकि वन आने का ये संकेत है कि एग्जॉर में वन आने का जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि एक वैल्यू तो जीरो रहेगी और एक वैल्यू वन रही होगी, मतलब कि इन दोनों में से ना कोई वैल्यू तो डिफरेंट रही होगी, और वो डिफरेंट वैल्यूज पैदा कैसे हुई ये हम कैसे पता करेंगे, हम पता कर लेंगे कि जो जीरो वाली थी ना उनमें ऐसी कौन सी वैल्यू थी जो लास्ट में बच रही है, और वन वाली जो थी उनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू थी इस पोजीशन पे वन वालों में से ऐसी कौन सी थी जो लास्ट में बच रही है, जिनके कारण हमारा लास्ट में वैल्यू यहाँ पे वन आ जा रहा है, ठीक है, क्रिएट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इतना बताने से तो क्लियर ही हो गया होगा, काफी अच्छा मैंने बताया आपको कि यहाँ यहाँ वन होता है, यहाँ यहाँ जीरो होता है, तो यहाँ पे वन आता है, यहाँ पे जीरो आता है, ठीक है। तो हम इसमें अप्रोच क्या यूज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, सिंपल सी अप्रोच होगी, सिंपल ही अप्रोच होगी। तो अप्रोच क्या होगी कि हम क्या करेंगे, हम राइट मोस्ट डिजिट निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसका हम एग्जॉल लेते जाएंगे, किसके साथ, राइट मोस्ट डिजिट के साथ। तो सबसे पहले तो राइट मोस्ट डिजिट निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे अभी हमें सोचना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका यूज करेंगे, पहले कोड कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, तो कोड कर लेते हैं एक बार, तो कोड में कुछ नहीं है, सिंपल सा है, तो कोड में हमारा क्या है कि कोड चलते हैं पहले करते हैं, तो कोड में हमारा कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो इंट XOR लेना है, XOR की वैल्यू लेनी है जो कि हमारी आएगी XOR करने के पश्चात, XOR करने के बाद, तो हम करते हैं XOR सारे नंबर्स का करेंगे एक दूसरे के साथ पहली बार, तो हमें उससे जो निकलेगा आउटपुट आएगा उसकी राइट मोस्ट डिजिट निकालेंगे, ठीक है, जो कि हम करते हैं आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ARR डॉट साइज, साइज तक जाएंगे ना, साइज तक चलते हैं, साइज तक जाने के बाद हम क्या करते हैं आई प्लस प्लस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ गए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं XOR करते हैं, XOR लेते हैं किसका, XOR लेते हैं हम XOR लेते हैं हम ARRI का, ठीक है, ये हमने XOR ले लिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो XOR वैल्यू है उसमें हमारे सारे वैल्यूज के XOR होते हुए वैल्यू सेव हो गई XOR में, XOR एरे आई के साथ क्या, फिर XOR आई में से हुआ, ऐसे करते करते XOR हमारा अपडेट होता गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या, इंट RSV राइट मोस्ट डिजिट निकाल ली, आपको पता है कि राइट मोस्ट डिजिट निकालने के लिए जो मास्क यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, सिंपल सा टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम उसको एंड कर देते हैं उसी नंबर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हमने क्या करा, हमने क्या करा, XOR लिया, उसके हमने एंड कर दिया किसके साथ, हमने उसको लिया, उसके बाद हमने एंड कर दिया उसको, सॉरी उसको हमने उसके अंदर सबसे पहले तो हमने XOR लिया, माइनस वन कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका जो है ना, उसका हमारा क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया, और उसके साथ फिर से हमने एंड कर दिया, तो उसकी राइट मोस्ट डिजिट निकल गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो वो सारे हमने डिजिट निकाले जो कि जीरो बनाने, जो कि जीरो और वन डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो जीरो और वन
उस पोजीशन वन, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो राइट मोस्ट डिजिट आई हमारी, वो जिस पोजीशन पे बनाई है उस पोजीशन पे जो जीरो और वन डिफरेंट थे वो जीरो और वन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, इंट वाई इक्वल टू जीरो, उसके बाद हम चलाएंगे लूप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई है, ये एक्स वाई यही है कि इस वाले पोजिशन पे ये डिफरेंट क्रिएट जिन जीरो और वन के कारण हो रहा है वो जीरो और वन वाली जो वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी कोई भी इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे जो वन आ रहा है वो किन जीरो के कारण आ रहा है, किन लास्ट में बचे हुए जीरो के कारण आ रहा है, वो कौन से लास्ट में जीरो वाली वैल्यू है जो ये क्रिएट कर रही है, ये क्रिएट कर रही है जिसके कारण यहाँ वन आ रहा है, तो वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो राइट मोस्ट डिजिट निकालिए जो कि ये वाली डिजिट है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं वो सेम काम। तो वो सेम काम हम कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं कैमरा थोड़ा संभालना पड़ता है, ओके। सो उसके लिए हम सबसे पहले अप्रोच क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरे के सारे एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, एरे के सारे एलिमेंट पे जाएंगे और हम क्या सोचेंगे, सोचने की प्रक्रिया देखिए, एरे के सारे एलिमेंट पे जाएंगे, एरे के सारे एलिमेंट पे जाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी हमारा कंडीशन क्या होगा, अगर अगर हमारा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई एंड, एरे ऑफ आई एंड जो हमारा आर एस बी है, राइट मोस्ट डिजिट है, वो दोनों मिल जाते हैं एक साथ, उनका हम लेते हैं एंड, ठीक है, उनका हम लेते हैं एंड। अगर ऐसी अवस्था आ जाती है कि जहां पे वो वन था और इनका डिजिट दोनों एक साथ मिल जाता है, तो वो पोजीशन होती है जहां पे हमें वन मिलता है, ठीक है, वो हमने वन एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर हमने वन एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उन सारे वन, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, हम वो वन वाले पोजीशन पे जो जो वन है उस जहां पे हमारा राइट मोस्ट डिजिट वन है, उस पोजीशन पे जिन जिन की वैल्यू वन थी वो हमने डिजिट निकाल ली, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली इस लॉजिक से, ठीक है। तो ये लॉजिक यही था हमारा जो कि हमारा आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इनमें हम एक्सॉर लगा लेते हैं, एक्सॉर इक्वल टू ए आर आर आई, ओके। इसको लगाने के पश्चात हमें क्या करना है, हमें लगाना है इल्स वाली कंडीशन, इल्स वाली परिस्थिति, जहां पे हमें क्या करना है, इल्स लगाना है। इल्स लगाने के बाद हमें सिंपल तरीके से ए आर आर करना है, ए आर आर आई करना है, ठीक है, ये हमने कर लिया, इल्स लगा लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमारा फॉर लूप खत्म हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है। अब वो तो सिंपल है कि हमें क्या करना है, अगर हमारी एक्स वाली वैल्यू लेस देन वाई है तो हमें सी आउट करना है, किसको सी आउट करना है, हमें एक्स को इंडल कर दें, और अगर हमारी सी आउट वाई है इंडल कर दें यहां पे, ठीक है, तो इल्स नहीं तो सी आउट, सी आउट में पहले वाई रहेगा, सी आउट में वाई रहेगा, ठीक है, ओके। सो ये हमारा था, तो ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल तरीका यूज किया, एरे डॉट साइज में सबसे पहले तो ट्रावर्स किया, उसके बाद सारा काम किया, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैंने से कौन कौन से काम, मतलब सॉल्व करने के लिए कौन कौन से अप्रोच डिस्कस करिए, तो बता देता हूं मैं आपको कि मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा तरीका यूज किया है। इसको एक बार थोड़ा वो कर लेते हैं कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पे जो एक्स एरे आई एंड आर एस बी किया है, इसका मतलब क्या है, एरे आई एंड आर एस बी, एक मिनट, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो एरे का जो एलिमेंट है, एरे के हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ और उसके हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ, जब हमें इस वाले डिजिट पे, लाइक व्हाट, जो हमारा एमएसबी, इसके साथ एमएसबी क्या आता है, हमारा एमएसबी, हमारा जब हम एमएसबी निकालते हैं तो हमारा ये वैल्यू आती है, ठीक है, और हम हर एक एलिमेंट के साथ ये काम करवा रहे हैं, हर एक एलिमेंट के साथ हम ये काम करवा रहे हैं कि इसका एग्जॉर, इसका एंड ले रहे हैं किसके साथ, इसके साथ, जीरो 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 वन जीरो, उसके साथ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ जब सारा ये जो बाकी इस जीरो पोजिशन के अलावा ये जो है ना, ये सारे जीरो देंगे एंड के साथ, ये सारे जीरो देंगे, जो वन जीरो है ना ये भी जीरो दे दिया तो ये वाला वैलिड नहीं है, तो ये वाला जीरो वाला मिल जाएगा। मतलब ये है कि जीरो, सबसे पहले तो राइट मोस्ट डिजिट हमने निकाला जो कि ये हो गया, अब इसका हमने एंड ले लिया हर एक एलिमेंट के साथ, एंड लेने के बाद अगर हमें जीरो मिल जाता है ना सबसे लास्ट में तो वो पक्का है कि वो जीरो वाला पेयर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे वन रहता तो जीरो मिलता ही नहीं, यहाँ वन मिलता अगर इस वाले राइट मोस्ट डिजिट के साथ एंड गेट एंड एंड के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये इसके साथ एंड करता है राइट मोस्ट डिजिट के साथ, जीरो 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 वन जीरो, तो इसका जो है ना आउटपुट क्या आएगा,
इसका आउटपुट आ जाएगा वन, ठीक है। अगर ये वन आ गया तो पक्का ये वाला एलिमेंट हमारा शामिल होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए जीरो और वन वाले इस राइट मोस्ट डिजिट की सहायता से, और उसके बाद उन सारे जो वंस और जीरोस थे उनका एक्सोर कर लिया, जो हमने यहाँ पे किया है, हमने सेम काम यहाँ पे किया है। सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड लगा के, और उनका सारों का एक्सोर लेके उस एक्स और वाई में रख लिया, और उसके ऑर्डर के हिसाब से कि कौन बड़ा है कौन छोटा प्रिंट कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।